नमस्कार, डी टी डब्ल्यू 24 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं सनी कुमार। कल जिस तरह से मुकेश सहनी ने बीच मन से महागठबंधन से नाता तोड़ दिया था और इल्ज़ाम लगाया था तेजस्वी यादव पर कि उन्होंने पीठ में खंजर भोंका मुकेश सहनी के, जिसके बाद आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक बड़ी बात कह दी कि अगर तेज प्रताप यादव हमें वापस बुलाते हैं तो हम महागठबंधन में जाएंगे, अदरवाइज वो महागठबंधन में वापस नहीं आएंगे। वह खुद से भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं या फिर पीडीए गठबंधन में जा सकते हैं, जिसको लेकर आज हमने बातचीत की राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से मुकेश सहनी के आरोपों का जवाब दिया है, आइए आप देखिए। कल मुकेश सहनी ने जिस तरह से बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गठबंधन से नाता तोड़ा और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि पीठ में खंजर भोंकने का काम किया तेजस्वी यादव ने उनके साथ, इस पर क्या कहना है आपका? अरे पीठ में तो खंजर पूरा देश ने देखा, दुनिया ने देखा, बिहार ने देखा, उन्हीं ना उन्होंने ही ना पीठ में खंजर मारा, साथ में बैठे थे, उठ के चले गए। हम कहाँ मारते, हम पीठ में खंजर मारने वाले नहीं हैं। जनता के पीठ में खंजर किसने मारा? जो आचरण उन्होंने दिखाया, बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। जितना गाली देना है दे लें, उनको मुबारक हो, उनके कोई आरोपों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, ये पब्लिक सब जानती है कौन क्या है। उन्होंने कहा है कि वो पीडीए के साथ गठबंधन करेगा, अगर बात नहीं बनी तो अकेले 243 सीटों पर लड़ेंगे। जहाँ जो करना है भाई, किसी को कहाँ कोई मना है। 10 नवंबर तक जिसको जहाँ उछलना है कूदना है करते रहे ना भाई। 243 ने वो 486 पर लड़े, तो कौन मना कर सकता है। लेकिन कल जो लोगों ने देखा वो तो इस अशोभनीय व्यवहार के कारण सुनियोजित तरीके से उन्होंने जो किया ये कोई माफ नहीं कर सकता है। बिहार की जनता तेजस्वी यादव को हल्के में ले रहे हैं और अरे भाई उनके लेने से उनके वापस आ सकते हैं, उनके लेने से हल्के में और भारी में, जनता ना हल्के भारी में लेती है लोकतंत्र में, वो क्या है। अरे सबसे बड़े दल का नेता तेजस्वी यादव जी हैं और वो क्या है भाई। कोई भी व्यक्ति चाहेगा, हम एक गांव में कहावत है उखली पर चढ़कर बराबरी करना, वो संभव नहीं ना है। तेजस्वी यादव जी तेजस्वी यादव जी है। अब ये टिकट नहीं मिला, निजी स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो आप गाली देने लगिएगा, तो देते रहिए गाली। जनता अपना आशीर्वाद तेजस्वी यादव पर लुटा रही है। मुकेश सहनी के आरोपों को जवाब देते हुए साफ तौर पर कह दिया मृत्युंजय तिवारी ने कि मुकेश सहनी है क्या, उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है और वो सही तरीके से राजनीति नहीं कर सकते। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में 3 सीट दिया गया था वीआईपी पार्टी को और तीनों सीट हार गए थे, ऐसे में ऐसे लोगों को हाथों में टिकट नहीं दिया जा सकता है, जो कि महागठबंधन की इज्जत को घटा दे या फिर सभी सीट हार के बैठ जाए। फिलहाल जिस जो माहौल है बिहार में, अभी किसी भी पार्टी ने साफ तौर पर क्लियर नहीं किया है, लेकिन महागठबंधन ने कल क्लियर कर दिया था कि RJD 144 सीटों पर लड़ेगी और वहीं कांग्रेस जो है 70+1 सीट जो लोकसभा का है वाल्मीकि नगर के उपचुनाव में होगा वो कांग्रेस को दे दिया गया है। बाकी तमाम जो दल है उनके साथ में उनमें सीट का बंटवारा सही तरीके से हो गया, लेकिन मुकेश सहनी को सीट नहीं मिला था, जिस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम अपने कोटे से उन्हें सीट देंगे। और फिर नाराज होकर मुकेश सहनी ने बीच मंच से ही अपने भाषण के दौरान कहा कि RJD ने उनके पीठ में खंजर भोंका है और ये इतना कहते हुए उन्होंने RJD से अपना नाता तोड़ लिया था, महागठबंधन से नाता तोड़ लिया था। फिलहाल आप ऐसी खबरों में बने के लिए हमसे जुड़े रहें, धन्यवाद।